देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 501 नए मामले आए हैं। अधिकतर राज्यों में कोविड से हालात सामान्य हैं। एक महीने पहले तक एक्सपर्ट का आशंका जता रहे थे कि दिवाली के बाद देश में कोविड के मामले बढ़ सकते हैं। उस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट की वजह से कुछ देशों में संक्रमण की नई लहर आ सकती है। लेकिन भारत में कोविड के आंकड़ों पर नजर डालें तो दैनिक संक्रमितों की संख्या के साथ पॉजिटिविटी रेट में भी काफी कमी दर्ज की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के मरीजों में भी हल्के लक्षण मिल रहे हैं। इस वेरिएंट को कई राज्यों में फैले हुए करीब एक महीने का समय बीत गया है। इसके बावजूद भी फिलहाल किसी राज्य में कोविड के नए मामलों में इजाफा नहीं देखा जा रहा है। दिवाली को बीते हुए भी 3 सप्ताह का समय गुजर चुका है, लेकिन एक्सपर्ट का आकलन गलत साबित हो रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि देश में दिवाली के बाद भी कोविड के केस काबू में क्यों हैं? आइए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया, देश में कोरोना का वायरस और इसके अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी वेरिएंट में काफी हल्के लक्षण हैं। लोगों को केवल खांसी जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत हो रही है। संक्रमण के लक्षण हल्के होने की वजह से लोग कोविड टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। पहले की तरह अब कोरोना की टेस्टिंग नहीं की जा रही है। यही कारण है कि संक्रमण के मामले कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की गई तो केस फिर से बढ़ते दिखेंगे। डॉक्टर किशोर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्टिंग कराएं। कोविड जांच तभी करें जब लक्षण ज्यादा दिनों तक रहें, या फिर अगर पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो जांच कराना जरूरी है। बुजुर्ग मरीजों को भी सलाह दी जाती है कि वो कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्ट करा लें और अपना इलाज कराएं, ताकि अगर लक्षण बढ़ गए हों तो बुजुर्ग मरीजों को खतरा होने की आशंका रहती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।